थैंक यू फॉर टीचिंग। अरे वाह कितना सुंदर गिफ्ट। अच्छा बजे रास्ते से ऐसे ऐसे जाना पड़ता है ना, बहुत ही आफत आती है। अब घास कैसे लाऊंगी। फाइनली पहुंच चुकी हूँ घर काफी। हे गाइस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत पैरी ने कर रखी है, जो कि मेरे ट्यूशन का बच्चा है। इन सारे बच्चों से आप पहले मिल चुके हो, तो आज टीचर्स डे है। टीचर्स डे की खुशी में तो मैंने आज बच्चों के साथ ही मैंने सोचा इनके साथ कर देते हैं हम अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो अब देखते हैं टीचर्स डे में बच्चे क्या क्या लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाए हैं। एक गुनगुन कल भी बनाकर लाई थी, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए पवित्रा। तो देखो ये पवित्रा ने कितना अच्छा क्राफ्ट कर रखा है, खुद घर पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है। डियर टीचर, थैंक यू फॉर टीचिंग मी एंड गाइडिंग मी, यू आर बेस्ट टीचर और हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच पवित्रा। ये रही पवित्रा जिसने की ये खुद बना रखा है, थैंक यू सो मच। अब ये किसने बना रखा है, ये देखो ये पैरी ने भी बना रखा है, बहुत ही प्यारा। और ये पैरी ने भी खुद लिख रखा है, देखो कितनी मेहनत कर रखी है। थोड़ा अंदर भी लिख लेते मेरे बारे में कुछ अच्छा सा। यीशु ला, ये देखो यीशु ने भी, बाप रे यीशु भी इतना मेहनती है, कितना सुंदर बना रखा है। हैप्पी टीचर्स डे, बेस्ट टीचर एवर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसने तो मेरे को पिछली बार भी दी थी ना पैन। मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ, सबसे पहला गिफ्ट मेरे को यशु ने दे रखा है। तो अभी मेरा प्यारा सा चेला लेकर आ रखा है, लेकिन ये देने में शर्मा रहा है। देखती हूँ क्या लेकर आ रखा है। चेले दे दो लास्ट। अच्छा जी गुनगुन पहले भी ला रखी, गुनगुन का ये सोफे में है हमारे लादर। अरे वाह कितना सुंदर गिफ्ट ला रखी गुनगुन का। तो देखो ईजा है, एक ये है, इसके साथ दो पेन थी जो कि अंदर थी, ये हमारे तक्ष ने निकाल दी थी। तक्ष लगा पड़ा था यहाँ पर, लगी हुई थी। देखो सो स्वीट भाभी, क्योंकि मैं इसकी भाभी हूँ इसलिए भाभी लिख रखा है। हैप्पी टीचर्स डे। और ये तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितनी मेहनत कर रखी है। देखो ये खुद इसके अंदर डाल रखा है, ये टोकरी जैसी है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा इसके अंदर एक और पेन है, मैं इसके, वाओ कितनी सुंदर पेन है, और छीनना पड़ा जबरदस्ती। वाओ कितना सुंदर बना रखा है, देखो इतना छोटा सा बच्चा है, थर्ड क्लास में पढ़ता है। और देखो ये कितना अच्छा बना रखा है, बादल बना रखे, बादल है ना ये। और ये अरे वाह ये तुम चॉकलेट भी लेकर आ रखा है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो ट्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो बच्चों की छुट्टी हो गई है। आज मैंने इन्हें मॉर्निंग में ही बुला लिया था, क्योंकि आज इन लोगों की छुट्टी थी। तो अब ट्यूशन कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं भी दूसरा काम कर लेती हूँ। बाहर मछली पकड़ने आ रखे हैं, तो देखते हैं मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मछली पकड़ी जा रही है, अब आप लोगों को दिखाती हूँ मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती हैं। इसमें मछलियाँ ले जाते हैं, तो ये देखिए मछलियाँ पकड़ रखी हैं, इनको फिर सुखा दोगे ना आंटी। एक सिकुट्टा बोलते हैं, सिकुट्टा क्या हुआ, हाँ वो भी होते हैं इसमें। आ रहे हैं कुछ हत्ते, इसमें मछलियां ही मछलियां होंगी ना। मगरमच्छ भी देखा मैंने कल यहाँ, हाँ वहां पर, हाँ इसी खंती में कल देखा, कल रात को ना मैं वहां उस घर में जा रही थी, यहाँ पर था ये, यहाँ से नीचे कूदा। दूसरी मछली है ना ये वाली, ये काली वाली, इसको क्या बोलते हैं, ये जो ये काली वाली है। अच्छा ये हाँ ये बहुत इतनी बड़ी भी है, और बड़ी होंगे मोटे मोटे बजरिया। अच्छा बजरिया, फिर इनको क्या करते हो आंटी, सुखा कर नमक बनाओगे ना। बनाएंगे सब खाते होंगे ना आपके घर में। कितनी पकड़ ली आ रही हैं, देखो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं मछलियां पकड़ने में, वो भी खंतियों में गए हैं। वो देखो आ भी रही हैं मछलियां, मछली अच्छी लगती हैं। ये क्या है, ये
अच्छा निकाल के फिर उसमें डाल रहे होंगे ना। अब दिखाती हूँ मछली दिखा जाती हूँ। तो मछलियाँ तो काफ़ी सुंदर लग रही हैं, लेकिन मैं इनकी सुंदरता के पीछे लगी रहूँगी तो मेरे को ज़बरदस्त डांट पड़ जाएगी, क्योंकि मुझे लेने जाना है घास और ये लोग मेरे पीछे पड़ रखे हैं। नहा लो। और ये लोग बहुत डांट भी रहे हैं, कुछ लोग को वीडियो बनाने में कह रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रहे हो, हमारी इंसल्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन इनको क्या पता इसमें इंसल्ट नहीं है तो अच्छी बात हुई, अपना काम कर रहे हैं लोग। ये रहा मेरे खेत का लुक, क्योंकि वहाँ पर ना धान की बालियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसलिए ये हाथ पैरों में लगती हैं, इसलिए मैं ऐसे जा रही हूँ तो सीधे खेत में दिखाती हूँ। गाइस देखिए हरे हरे खेतों के पास पहुँचकर कितना प्यारा लगता है। तो ये दुपट्टा लेकर आई हूँ, माँ बोल रहे थे आज कट्टे मत लाना, आज दुपट्टा मैं लमेली बांधूंगी, तो आज मैं ये दुपट्टा लेकर आ रखी हूँ। और हरे हरे भरे खेत देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। लेकिन घास बनाने में ना गाइस बहुत ज़्यादा आफत आती है, आजकल मैं जाती हूँ ना तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है, बहुत आफत आती है घास बनाने में। वो माँ ने शायद बना दिया है घास तो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। आज मैंने नहाया धोया उसके बाद आई हूँ तो, लेकिन ये कीचड़ में इतना गंदा रास्ता हो रखा है, छी और इतने गंदे रास्ते में कई दूर आ रखे हैं मातू आज। तो वैसे तो हम कार में लाते हैं, जब रोडी रोड आके कुछ आते हैं तो हमारा कार में आ जाता है घास, लेकिन जब ये मेड़ी मेड़ वाले रास्ते में हम आगे को गए रहते हैं तो हमें यहाँ मेड़ मेड़ से आगे को जाना पड़ता है। यहाँ पर ये दादा भी आ रखे हैं, दिखाती हूँ, वो भी घास काट रहे हैं। ये भरे खेत हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, और मेड़ों का रास्ता देखो इतना ख़राब हो रखा है, कीचड़ से पैर ऐसे हो गए हैं, ये बहुत ही गंदा रास्ता हो रखा है। अब मम्मी जी कहाँ हैं हमारी पता नहीं, वो शायद दीदी के खेत में है तो हम वहीं चलेंगे। यहाँ पर अभी दादा दिख रहे थे, दादा राम राम। हाँ बढ़िया, आप कैसे हो रहे हो, क्या कर रहे हो, घास बना रहे हो, क्यों आपके पास जानवर है क्या? अच्छा ये माँ जहाँ गए हैं वहाँ का रास्ता कहाँ से है, यहाँ से? यहाँ पर दादा भी घास बनाने में लगे हैं, यहाँ तो सब लोग काम करते हैं। दीदी नहीं आए? अच्छा घास तो अच्छा हो रखा है ना लंबा लंबा। ये देखो ये रास्ता देखो गाइस, इतने गंदे रास्ते से ऐसे ऐसे जाना पड़ता है ना, बहुत ही आफत आती है। अब घास कैसे लाऊंगी सर में वो तो पता नहीं है, इतना गंदा रास्ता हो रखा है क्या ही बताऊं। सब ये बारिश से मेड़ों की ऐसी तैसी कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ से वैसे पैर रखने पड़ते हैं भावरों के, सोचो उन्होंने भावर में क्यों हूँ ना। मम्मी आज फ़ोन लेकर आई हूँ, फ़ोन का पता नहीं क्या काम तमाम होता है मेरा। मोबाइल तो कमर में ठोस कर ले जाऊंगी। सही टाइम में आई। क्यों दीदी के ही खेत में तो है हम। मुट्ठे बच चुके हैं एक दो, ये मुट्ठे मैं लेकर जाऊंगी, दो मुट्ठे वो वहाँ पर जो लेडीज लोग दिख रहे हैं ना वहाँ पर, वो
दीदी के खेत के अध्याय वाले हैं तो वहाँ पर बना रहे हैं ये दो मुठे, तो उसे दोबारा लेने के लिए आऊँगी। घर दिखाती हूँ यहाँ से कितनी दूरी पर है, ये है हमारा घर, तो जूम करके दिखाती हूँ यहाँ से कितनी दूरी पर है, और ये यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा घर, यहाँ से इतनी दूरी पर आ रही हूँ मैं, ये देख रही इतनी दूरी पर आ रही हूँ, इतनी दूर पार करके मुझे वहाँ जाना है, और यहाँ पर ये खाद पानी डल रहा है खेतों में। ये किस चीज की दवाई है, वही जो आप बोल रहे थे? कीड़े मारने वाली दवाई डाल रहे हैं यहाँ पर। तो जब तक मां मुट्ठा बांधते हैं हम आराम फरमा लेते हैं, और आराम फरमाते फरमाते कुछ वीडियो शूट भी कर लेते हैं, और उसके बाद मुट्ठा बच जाएगा तो मुट्ठा लेकर चलते हैं। फाइनली पहुंच चुकी हूँ घर, काफ़ी थकान हो गई इसलिए तो खींच दिया खाने में। ओ बाप रे, हालत ख़राब होते हैं। तो घास तो आ गया है, अब स्पीड से घास भी काट लेते हैं। असली फिजिकल वर्क तो कुछ काटने में होता है, बहुत ही आफत आती है, तो अब स्पीड से घास काट कर थोड़ा आराम करने का टाइम मिलेगा। आजकल का ट्रेंड ऐसा है, आते हुए सर से उठाया नहीं जाता है, सीधे वीडियो बनाई जाती है। आजकल का टाइम उल्टा चल रहा है, सामान आ चुका है,